हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले रेडमी नोट 9 प्रो में बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहेगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए दिखाते आपको। तो जैसे ही हम लॉक ओपन करेंगे तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फोन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। नीचे आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हो ईयर्स डेटा ऑल, यहीं से आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे की तरफ डिलीट ऑल डेटा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ 5-6 सेकंड का टाइम होगा, बस इंतज़ार करना है। जैसे ये टाइम ख़त्म होता है, यहाँ पे आपको रिसेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिसेट पे आप क्लिक करोगे, फिर और एक टाइम आएगा 5-10 सेकंड का, आपको वेट करना है। जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने का मिलेगा ओके। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो अपने आप ही रिसेट होने लगेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मोबाइल को देखे रहना है। और मैं एक बात आपको बता दूँ कि आपका जो फ़ोन बैकअप रिसेट करो, उससे पहले अपना मोबाइल का जो भी सारा डेटा है, इम्पोर्टेंट मतलब कॉल लिस्ट, फ़ोटो, वीडियो वगैरह, वो सब कहीं स्टोर कर लेना, क्योंकि बैकअप रिसेट करने से फ़ोन जो है वो पूरा फॉर्मेट हो जाता है, जैसे आप नया लाए थे और था वैसा हो जाता है पूरा क्लियर। तो यहाँ पे अभी पावर बाय एंड्रॉयड लिख के आ गया है, तो ये वीडियो मैं स्किप करके बना रहा हूँ ताकि लंबी ना हो। ये सेटिंग्स आप ध्यान से देख लीजिए, यहीं पर आपको चेंज लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है। यहाँ से भी ये नीचे राइट वाला एक क्लिक करना है आपको। जो जो मैं अभी सेटिंग्स कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, आप ध्यान से देखिए। और ये क्योंकि आपका फ़ोन जब स्टार्ट होगा तब आपको दिक्कत ना हो, आप ऐसे इसको ऑन कर सकते हो। तो ये मैं जो जो चीज़ कर रहा हूँ आप करिए, स्किप कीजिए। यहाँ पे ये नेटवर्क, अभी हमारा सिम कार्ड है नहीं तो ये नेटवर्क का नहीं हो रहा है, तो इसको आप कैसे हटाओगे तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप इनेबल कीजिए, फिर स्किप कीजिए। स्किप नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, चेकआउट नेटवर्क, यहाँ पे आप अभी नेटवर्क सिम डाला नहीं ना इसलिए ऐसा आ रहा है। जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट कर देना है, सारी डिटेल्स आप एक्सेप्ट कर लो, फिर ये कुछ वेट करना होगा आपको। फिर ये जैसे ही ख़त्म होता है, आपको यहाँ से पासवर्ड तो नहीं डालना है अभी, ये एडिशनल सेटिंग्स भी, यहाँ से थीम्स आप चेंज कर सकते हो, कोई भी थीम्स चेंज करनी है आपको तो यहाँ से फिर नेक्स्ट कर दो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपका ये जो है वो सेटअप कंप्लीट हो गया, ऐसा लिख के आ जाएगा। तो अभी आपका फ़ोन है वो पूरी तरह से यूज़फुल हो चुका है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। अपना जो बैकअप रिस्टार्ट का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अभी लोडिंग एप्स लेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अभी हमारा फ़ोन जो है वो पूरी तरह से रिस्टार्ट हो गया है। अब आप ऐसे इजीली यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पहले जैसे यूज़ करते थे ठीक वैसे ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट में हमें ज़रूर बताना। आई होप यू गाइज़ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना आप कुछ पूछना चाहो तो भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।